हेलो हेलो, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो के अंदर हम रिएक्शन कर रहे हैं पुरानी सिंगर शबनम मजीद का गाया हुआ फेमस पाकिस्तानी सॉन्ग और नयारा नूर करकर जो सिंगर हैं उनके गाने पर, सेम गाने पर मैं रिएक्शन कर चुका हूं। वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप सर्च कर मेरे नाम से, मेरे चैनल के नाम से देख सकते हो। बाकी मैं गाना देखने वाला हूँ वतन की मिट्टी गवाह रहना। ये गाना अपने आप में एक अच्छी लिरिक्स रखता है, खूबसूरती रखता है लिरिक्स की। तो देखते हैं क्या शबनम मजीद इस गाने को अपने अंदाज में इंसाफ के साथ गा पाएंगी। तो देखते हैं इस वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। हरी
बाकायदा खूबसूरती से इस गाने को इन्होंने अपनी प्यारी खूबसूरत आवाज़ से सजा दिया गाने को। बहुत अच्छा गाया है, बहुत प्यारा गाया है। इस गाने के फील ही अलग है, इस गाने की वाइब ही अलग है, इस गाने के लिरिक्स ही अलग हैं। मैं सोचता हूँ यार ये पाकिस्तान का गाना है, लेकिन इसको सुनते सुनते मुझे अपनी ही जो पेट्रियोटिज़म है, आप सोच सकते हो जो देशभक्ति है, वो जागने लगती है अपनी कंट्री के लिए कि यार ये इंडिया में जो चीज़ें हुई हैं, जो आप सोच सकते हो फौज एंड ये सारी चीज़ों का दिमाग में आने लगता है कि यार वतन की मिट्टी, मतलब अपने ही वतन की मिट्टी को याद दिला देता है ये गाना। भले ही किसी भी कंट्री से हो ये गाना, लेकिन आपके वतन की मिट्टी को ज़रूर याद दिलाता है जो इसको सुनता है, उसके वतन की मिट्टी को। इसमें फील ही वही है यार। लिरिक्स आप सुनो इसके, वतन की मिट्टी गवाह रहना, मतलब मिट्टी गवाह रहेगी कि तुमने उसको बचाने के लिए या उसके लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपनी कंट्री के लिए क्या किया है। बहुत खूबसूरत लिरिक्स के साथ बहुत प्यारा गाना गाया है इन्होंने, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, और इसका म्यूज़िक क्या कमाल का जोशीला म्यूज़िक है। तो एक बार फिर से कहूँगा कि मैं ओरिजिनल वाले की तो मैंने सुना है, लेकिन उसकी जो झलक है वो भूल गया हूँ, लेकिन मुझे अभी यही जहन में है, यही दिमाग में है कि मैंने इनका सुना है, शबनम मजीद का गाना वतन की मिट्टी, जो कि मुझे दूसरी चीज़ सोचने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि ये ही इन्होंने इतना अच्छा गा दिया है वाकई में। तो क्या कहते हो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करता हूँ मैं वीडियो को, टेक केयर, बाय।